बालाजी गुरु जी। जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है, जो भी हमारी बहने महिला है, जो भी लड़कियां है हमारी, वो धर्म छोड़ के चली जाती है और वापिस फिर आने को मानती ही नहीं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो आना ही नहीं चाहती है, तो ऐसा हम क्या करें? हमारी वो बहन है वापिस हमारे धर्म में आ जाए, उन पे ऐसा क्या जादू हो गया जो आना ही नहीं चाहती है? पहले तो एक काम करो कि वो जा ना पाए, उसका प्रयास तो चालू ही है, लगातार सबको करना पड़ेगा। पर दूसरा उपाय ये है कि अगर उनके ऊपर कोई वशीकरण किया गया है, तो हमने एक प्रयोग दिया था, किसी भी प्रकार का वशीकरण हो, श्री सन्यासी बाबा का नाम लेकर एक हमने प्रयोग नेट पर भी दिया था, एक अलग प्रयोग हम आपको आज दे देते हैं। अगर किसी पर वशीकरण का प्रभाव है तो पान पत्ता लेकर के उसमें शहद से ओम ऐं ह्रीं क्लीं इतना बीज मंत्र लिखकर 9 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर समय नहीं है तो 3 घंटे के लिए माता के चरणों में रख दीजिए, और सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का और भगवती का नाम लेकर अमुक को कैसे भी करके खाने में, पीने में, किसी भी परिस्थिति में खिला दीजिए, वह बालिका का वशीकरण कट जाएगा और दूसरे धर्म में, दूसरे पंथ में गई हुई बच्ची वशीकरण कटते ही स्वभाववश उसे सब ध्यान आ जाएगा और वो आ जाएगी। जय बालाजी। और एक सवाल है, लहसुन लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? इसको थोड़ा कम शब्दों में बता दीजिए। और भी माता तामसिक आहार है, इससे साधना में भंग पड़ता है, क्रोध आता है, आवेश आता है, वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए उपासना में रोड़ा बनता है, इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। और एक एक आशीर्वाद, एक आशीर्वाद बस, जो मलाड़ में आग लग गई थी बस्ती में, अप्पा पाड़ा में, उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद दे दीजिए, उनका घर नहीं है बस, तो उनके ऊपर कृपा बना दीजिए। भगवान करे कि जल्दी जय जयकार। जय बालाजी, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय सियाता। चलो देव भैया।